आज हमारा टॉपिक है त्वचा के व्युत्पन्न। इससे पिछले वीडियो में हमने त्वचा के व्युत्पन्न में रोम की संरचना पढ़ी थी, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे त्वक ग्रंथियां, जो हमारे त्वचा में जो ग्रंथियां पाई जाती है उनको त्वक ग्रंथियां या क्यूटेनियस ग्लैंड कहते हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इस पर पोस्ट करता हूँ तो आपको उसका तुरंत मैसेज प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। त्वक ग्रंथियाँ, क्यूटेनियस ग्लैंड, जो हमारी त्वचा के अंदर जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उसको त्वक ग्रंथियाँ कहते हैं। इनकी उत्पत्ति या ये पैदा कैसे होती है, तो हमारा एपिडर्मिस का जो सबसे निचली परत थी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, जो कि सजीव कोशिका से बनी हुई थी, वो अंदर डर्मिस के अंदर फोल्ड होके से ये है, तो हमारे डर्मिस के अंदर ये इस तरह से अंतर्वलित होकर और कुंडलित होकर त्वक ग्रंथियों का निर्माण करती है। स्टेटम जर्मिनेटिवम या अंकुरण इस तरह है, उसके अंतर्वलन से ही त्वचा की ग्रंथियों का निर्माण होता है, और ये ग्रंथियां त्वचा के अंदर दसी हुई, त्वचा के जो डर्मिस है उसमें दसी हुई रहती है। क्योंकि हमने देखा था कि एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म से बना होता है, इसलिए ये त्वक ग्रंथियां भी एक्टोडर्मल होती है, या एक्टोडर्म से इनकी उत्पत्ति होती है। त्वचा है, जितने भी त्वचा की ग्रंथियां वो एक्सोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन का मतलब है कि जैसे ये ग्लैंड है, तो इससे अपने स्राव को ले जाने के लिए इसके पास एक पतली नलिका होगी। उस नलिका के माध्यम से अपने स्राव को ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएगी। तो नलिका युक्त जो ग्रंथियां हैं वो एक्सोक्राइन, या इनको हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं इनको। अगर हम ये जो ग्रंथियां स्राव बनाती है, इस श्रावण के आधार पर अगर बात करें, तो ये हमारी त्वचा के अंदर तीन टाइप की ग्रंथियां होती है, जिसको एक को कहते हैं मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। इन तीनों को समझते हैं। देखिए, अपन मान लीजिए ये ये तीन ग्रंथियां हैं, ये इसके अंदर कोशिकाएं हैं, इन ग्रंथियों का निर्माण है वो अंकुरण स्तर के द्वारा डर्मिस में दस कर किया गया, और इनकी उत्पत्ति है वो एक्टोडर्मल होती है, ये कोशिकाएं हैं। तो श्रावण के आधार पर इन कोशिकाओं को तीन भागों में बांटा जाता है। जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में इनकी कोशिकाओं में जो स्राव पैदा हुआ, वो स्राव यदि एक्जोसाइटोसिस के द्वारा रिस रिस के इन कोशिकाओं से बाहर आता है, कोशिका को कोई नुकसान नहीं होता है, केवल स्राव ही बाहर निकलता है, और वो स्राव बाहर निकल कर नलिका के द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस तरह की ग्रंथि कहलाती है, जो हमने कहा मीरोक्राइन है। मीरोक्राइन में क्या होता है कि सेल है वो एक्जोसाइटोसिस के द्वारा स्राव को रिलीज करती है या बाहर छोड़ती है। जबकि इस ग्रंथि को देखें तो मान लीजिए ये ग्रंथि, इसकी ये कोशिका है, तो इस ये कोशिका जब स्राव पैदा करती है, तो वो स्राव इस कोशिका के शीर्ष भाग पर इकट्ठा हो जाता है, शीर्ष भाग पर। और जब ये स्राव को ये कोशिका छोड़ती है, तो इस स्राव के साथ कोशिका का ये पार्ट, ये भाग जो है, ये भाग भी अलग हो जाता है, यानी कोशिका से ये भाग इस स्राव के साथ ही हट जाता है, और एक तरह की पुट्टिका सी बन जाती है, और पुट्टिका में पैक होकर ये स्राव है वो फिर निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। इसका मतलब यहाँ से कोशिका का कुछ भाग हट गया, यहाँ से चला गया, तो कोशिका कुछ यानी इसका भाग एक कट गया, ऐसा मान लेते हैं अपन। तो इस तरह की ग्रंथि को हम कहते हैं एपोक्राइन है। तो अब ये जो कोशिका, इसका कुछ भाग जो हटा है, ये हटा हुआ भाग है वो पुनरुद्भवन द्वारा पुनः निर्मित हो जाता है, पुनरुद्भवन द्वारा फिर से ये बनकर ये कोशिका तैयार हो जाएगी। तीसरी कोशिका देखिए, ये मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिका ये अपना स्राव बना रही है, तो इसमें पूरी की पूरी कोशिका ही इस स्राव के साथ यहाँ से हट जाती है या अलग हो जाती है, और कोशिका के साथ ही पूरा का पूरा स्राव है वो रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी कोशिका ही हट जाती है। तो अब नेक्स्ट इस स्थान का क्या होगा, तो इसमें जो पास वाली कोशिकाएं हैं वो कोशिका
कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन से पुनः एक नई कोशिका का निर्माण कर लिया जाएगा। तो इस तरह की ग्रंथि कहलाती है होलोक्राइन। मतलब आप समझ गए होंगे कि मीरोक्राइन में केवल स्राव निकलता है, कोशिका का कोई भी भाग कोशिका से अलग नहीं होता है। एपोक्राइन में क्या होता है, कोशिका का शीर्ष भाग स्राव के साथ हटकर स्राव के साथ ही बाहर चला जाता है। और होलोक्राइन में क्या होता है कि कोशिका की जिस सेल में स्राव बनता है वो पूरी की पूरी सेल ही वहाँ से हटकर उस स्राव के साथ बाहर चली जाती है, तो वो ग्रंथियाँ होलोक्राइन कहलाती है। तो ये तीन टाइप की स्राव के आधार पर ग्रंथियाँ होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि ये इसको कहते हैं स्वीट ग्लैंड। ये नलिकाकार ग्रंथि है। नलिकाकार का मतलब होता है इसमें कुंडलित नलिका की तरह होती है, ये कुंडलित नलिका की तरह, जो कि ये होता क्या है अपना अंकुरण स्तर से ही, इस अंकुरण स्तर की कुंडलन से बनी होती है। इसका जो निचला भाग है ना स्वेद ग्रंथि का, वो कुंडलित रहता है। और इस कुंडलित भाग में विशेष प्रकार की मायो एपिथीलियल कोशिकाएँ पाई जाती है, और ये मायो एपिथीलियल कोशिकाएँ ही पसीने का निर्माण करती है, लगातार पसीने का स्राव करती है। जो स्वेद ग्रंथियाँ होती है वो हमारे त्वचा के ऊपर एक बारीक छिद्र के द्वारा खुलती है आके, जिसे पसीने वाली ग्रंथियाँ हैं। तो बारीक नलिका द्वारा ये हमारी एपिडर्मिस की सतह पर आकर खुल जाती है, ये पसीने का स्राव करती है। और मानव में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है। हमारे पसीने में होता क्या है, पानी होता है, कुछ यूरिया होता है, कुछ लवण होते हैं, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी घुलकर इसमें आ जाती है। तो एक तरह के उससे जो पदार्थ है, पानी, कुछ यूरिया, कुछ लवण और कुछ इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है पसीने के रूप में, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो हमारी त्वचा एक इस तरह से उत्सर्जन का काम भी करती है। श्वेत ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ अनुपस्थित होती है, तो ये हमारे होठों जो लिप्स है और नर जनन तंत्र के जो ग्लैंड पेनिस होता है, सिसन मुंड जिसको कहते हैं, और हमारे कान के पर्दे पर ये अनुपस्थित होती है। श्वेत ग्रंथियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जैसे बगल में, तो बगल में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसी तरह से हमारे हथेलियाँ हैं और हमारे पैरों के जो तलवे हैं उनमें सबसे ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ पर श्वेत ग्रंथियों की संख्या वो सर्वाधिक होती है। ये जो श्वेत ग्रंथि है ये एपोक्राइन और मीरोक्राइन दोनों प्रकार की हो सकती है। जो बगल वाली जो ग्रंथि है ना वो मुख्यतः एपोक्राइन की होती है। एपोक्राइन का मतलब होता है इस यहाँ जो श्वेत ग्रंथि होंगे वो अपने स्राव के साथ कोशिका का शीर्ष भाग भी टूटकर उसके साथ आ जाएगा, जबकि मीरोक्राइन में ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर श्वेत ग्रंथियाँ हैं बगल को छोड़कर वो मीरोक्राइन प्रकार की होती है। कुछ विशेष प्रकार की अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि श्वेत ग्रंथियाँ हैं वो जैसे जलीय स्तनधारी है, कुछ सल्की स्तनधारी है जिनके शरीर पर बड़े बड़े सल्क होते हैं, जैसे चिट्टी हो रहे इस पर देखे तो बड़े बड़े सल्क है। इसके अलावा जैसे वेल है, जलीय स्तनधारी में आ गए, डॉल्फिन है, ये अपने गेंडा है, राइनो, इनके अंदर श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। इसके अलावा सुअर है या कुत्ता है, इनमें भी श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। तो ये अपने शरीर का टेम्परेचर या तापमान को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, जैसे वेल डॉल्फिन है ये लगभग पानी से हटती नहीं है, पानी के अंदर रहना पसंद करती है। जो गेंडा है वो लगातार जैसे कीचड़ के अंदर या छाया में रहना पसंद करता है ज़्यादातर समय। सुअर है वो जैसे मिट्टी के अंदर लौटता रहता है या मिट्टी को अपने शरीर से लगाता रहता है या कीचड़ के अंदर पड़ा रहता है, तो वो अपने शरीर को उस तरह से ठंडा करता है। कुत्ते कुत्ता है वो मुंह खोलकर अपनी जीभ की सहायता से अपने शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। तो इन सब में श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। एक दरियाई घोड़ा होता है जो हम जानते ज़्यादातर पानी में रहता है, जिसको हिप्पोपोटेमस या हिप्पोज कहते हैं। दरियाई घोड़े में कुछ वानर और कंगारू, इनके शरीर से लाल रंग का पसीना निकलता है। उस लाल रंग के पसीने को खूनी पसीना भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ब्लड निकल रहा हो या खून निकल रहा हो, तो वो पसीने का ही होता है। उसमें कुछ
वर्णक कोशिकाएं पाई जाती है, उस वर्णक कोशिकाओं के कारण है, यानी पसीने वाले ग्रंथि या श्वेत ग्रंथियों में वर्णक कोशिकाएं बन जाती है, और उस वर्णक कोशिकाओं के कारण है, उस वर्ण के कारण पसीना लाल रंग का हो जाता है। यह लाल रंग का पसीना क्या करता है, त्वचा के निर्जलीकरण नहीं होने देता है, त्वचा को सूखा नहीं होने देगा, और जीवाणु से उस जीव की रक्षा भी करेगा। हम गर्मियों में देखते हैं कि बगल में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो बगल से गंध आने लगती है, तो उसका कारण यह होता है कि बगल के अंदर एपोक्राइन प्रकार की स्वेट ग्लैंड्स होती है, उन ग्लैंड से वसीय या फेटी स्राव निकलता है, वसीय प्रकृति के स्राव उत्पन्न होते हैं, और जब वसीय या वसा वहाँ पर रहती है तो जीवाणु पैदा हो जाते हैं, और वो जीवाणु उसको तोड़ते हैं या पचाते हैं, तो उनके तोड़ने या पचाने से वहाँ पर गंध उत्पन्न होती है, और उस गंध से ही बगल के अंदर गंध आती है। श्वेत ग्रंथियों के हमारे शरीर में क्या काम है, तो सबसे बड़ा काम तापमान नियंत्रण का है, इससे हमारे शरीर का तापमान है वो स्थायी बना रहता है। जल संतुलन है, जल अतिरिक्त जल को इससे बाहर निकाला जा सकता है, या आयनों को बाहर निकाल कर हमारे शरीर के लवणों का संतुलन सही अनुपात में बनाए रखा जाता है। त्वचा उत्सर्जनीय अंग का भी काम करती है, क्योंकि हानिकारक जैसे यूरिया वगैरह है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका उत्सर्जन करती है पसीने के माध्यम से, और त्वचा को सूखने से बचाने में भी हमारा पसीना मदद करता है, त्वचा इससे नम रहती है, सूखते नहीं है। दूसरी अपन त्वचा वाली ग्रंथि पढ़ते हैं तेल ग्रंथियाँ। तेल ग्रंथियाँ जिनको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, ऑयल में तेल हो गया, या इसका एक नाम है सिबेसियस ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, ये भी हमारी एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जो जर्मिनेटिव है अंकुरण स्तर उसी से बनती है, उसी से इनका निर्माण होता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, जैसे हमारे बाल होते हैं ना, उस बाल के पास ये इस तरह से जो कुपिकाएँ होती है, उस कुपिकाएँ की तरह ये हमारे हेयर के फोलिकल के साथ लगी हुई रहती है, तो ये यहाँ पर सिबेसियस ग्लैंड होती है, ये हमारे हेयर फोलिकल जो रोमपुटक है उसके साथ जुड़ी रहती है, ये संयुक्त कुपिकाकार है। कुपिकाकार मतलब इसमें कुपिकाएँ जैसी संरचनाएँ होती है, इस तरह से कुपिकाएँ जैसी संरचनाएँ होती है, और ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, तो संयुक्त कुपिकाकार है। ये होलोक्राइन प्रकार की है, होलोक्राइन का मतलब ये अपने स्राव के साथ अपनी पूरी की पूरी कोशिका को ही त्याग देती है। इसमें एक तेलीय पदार्थ बनता है, जिस नाम से स्पष्ट तेलीय ग्रंथि, तो तेल जैसा पदार्थ बनता है, उसका स्राव होता है, उस तेल जैसे पदार्थ को सिब्बम या अंग्रेजी में भी इसको सिब्बम ही कहा जाता है, सिब्बम कहते हैं। ये सिब्बम क्या करता है, ये हमारे बालों को और त्वचा को चिकना बनाए रखता है, तेलीय पदार्थ चिकना बनाए रहेगा, जिससे हमारी त्वचा जलरोधी बनी रहेगी, जल अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, तापरोधी भी बनी रहेगी और जीवाणुरोधी भी बनी रहती है, तो तेल हमारी त्वचा को सुरक्षा या प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर तेल ग्रंथियाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती है, जैसे हमारी हथेली है और तलवे हैं, हथेली और तलवे पर तेल नहीं होगा, वरना यहाँ पर हमें फिसलन महसूस होगी, तो हथेली और तलवों पर तेल ग्रंथियाँ एब्सेंट रहती है, नहीं पाई जाती है। कुछ और इसकी बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर रोम पाए जाते हैं, तो रोम के पुट्टे के साथ ऑयल ग्लैंड होती है, तो वहाँ पर आपको ये तेल ग्रंथियाँ मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर रोम नहीं होते हैं, जैसे होठ पर रोम नहीं है, नर के ग्लैंड पेनिस पर रोम नहीं है, मादा के जो निप्पल्स होते हैं वहाँ पर भी रोम नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, ताकि ये सतह है वो घर्षण से रहित हो और यहाँ पर ये चिकनी सतह बन जाए। जो सिबम होता है तेलीय पदार्थ, उसमें मुख्यतः वसीय अम्ल और कोलेस्ट्रोल जो वसा का ही एक व्युत्पन्न है, वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सिबम के अंदर ही जैसे हमारे इस तेल के अंदर एक विशेष रासायनिक पदार्थ भी पाया जाता है, जिसको कहते हैं अर्गोस्टेरोल। ये अर्गोस्टेरोल क्या करता है, ये तेल में पाया जाता है, जैसे ही सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज पराबैंगनी किरणें त्वचा पर गिरती है, तो इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ये अर्गोस्टेरोल विटामिन डी, इसको अपन कैल्सिफेरोल भी कहते हैं, कैल्सिफेरोल, उसका निर्माण ये कर लेता है। तो इस तरह से हमारी त्वचा को अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी किरणों के होने वाले नुकसान से अर्गोस्टेरोल बचाता है। जैसे अर्गोस्टेरोल पर ये अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है, तो ये विटामिन डी का निर्माण कर लेता है।
सीबम का अगर किसी कारण से स्राव बिल्कुल कम हो जाता है तो हमारे बाल और त्वचा वो सूखने लगती है, शुष्क दिखाई देने लगती है। अगर इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए, ये ग्रंथियाँ बहुत ज़्यादा अधिक सीबम या तेल बनाने लगे तो त्वचा पर ये जो अतिरिक्त तेल है वो जम जाएगा, इसकी पपड़ी जम जाती है, ये पपड़ियाँ फिर बार बार उतरने लगती है, जिसको हम रूसी या डेंड्रफ कहते हैं। नेक्स्ट अपन ग्लैंड की बात करते हैं, सिरुमिनस ग्लैंड। सिरुमिनस ग्लैंड है ये भी एपोक्राइन ग्लैंड है, यानी इसका स्राव भी कोशिका का शीर्ष भाग साथ में ही रिलीज हो जाता है। ये हमारे बाह्य कर्ण कुहर है। बाह्य कर्ण कुहर का मतलब होता है, ये जैसे हमारे कान है इसमें एक नली सी होती है, नली के बाद में यहाँ पर कान का या कर्ण पटे कान का पर्दा लगा, तो ये है बाह्य कर्ण कुहर। इस बाह्य कर्ण कुहर में यहाँ पर होती है सिरुमिनस ग्रंथियाँ। ये श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी हुई है, जो स्वीट ग्लैंड है उसके रूपांतरण से बनी हुई है, और हमेशा सीबेसिस ग्लैंड के साथ पाई जाती है। सीबेसिस ग्लैंड मतलब तेल ग्रंथियाँ। तेल ग्रंथियाँ किसके साथ पाई जाती है? हेयर्स के साथ। तो ये सीबेसिस ग्लैंड के साथ मिलेगी और स्वीट ग्लैंड के रूपांतरण है, तो दोनों मिलकर एक स्राव बनाते हैं, उस स्राव को कहते हैं सिरुमन या सिरुमेन। सिरुमिनस ग्लैंड को कौन सा स्राव छोड़ेगी? सिरुमेन स्राव छोड़ेगी। ये एक मोम की तरह या चिकना पदार्थ होता है जो कि हमारे इस कर्ण कुहर में छोड़ा जाता है। ये चिकना पदार्थ क्या करता है? हमारा जो कान का पर्दा है उसको चिकना बनाए रखता है और इसकी सुरक्षा भी करता है। जीवाणु से, मिट्टी से, अन्य कोई फाइबर उड़कर आते हैं तो वो यहीं से चिपक जाते हैं और कान के पर्दे तक नहीं पहुँच पाते, तो हमारे कान का पर्दा है वो सुरक्षित रहता है, उसकी बचाव रहता है। नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं अपन, स्तन ग्रंथियाँ जिसको मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये मेमरी ग्लैंड्स भी एपोक्राइन प्रकार की होती है। जब दूध स्रावित होता है तो दूध के साथ कोशिका का शीर्ष पार्ट भी हटकर उसके साथ आ जाता है। ये संयुक्त नलिकाकार और कुपिकाकार ग्रंथियाँ हैं। नलिकाकार मतलब ये नलिकानुमा है और कुपिका भी इसके अंदर पाई, कुपिकाएँ भी संरचनाएँ होती है और नलिकाकार भी संरचनाएँ होती है और आपस में सब जुड़ी हुई होती है, तो नलिकाकार और कुपिकाकार ये ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये भी श्वेत ग्रंथियों के रूपांतर से बनती है। इनका मुख्य काम होता है दूध का निर्माण करना। प्रसव के ठीक पश्चात स्तन ग्रंथियों से पीले रंग का बहुत ही स्पेशल स्राव निकलता है, जिसको कोलोस्ट्रम कहते हैं या इसको हिंदी में कहते हैं इसको खीस। इस कोलोस्ट्रम, इसको हम अमृत बोलते हैं, जैसे शिशु के लिए अमृत माना जाता है। इसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं जो शिशु को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाएगा और पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाएगा। तो प्रसव के बाद पीले रंग का दुग्ध होता है उसको कोलोस्ट्रम या खीस बोला जाता है। स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है ना, वो मादा हार्मोन, स्तन ग्रंथियाँ मादा में पाई जाती है, तो मादा हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं उसके द्वारा इसकी वृद्धि को कंट्रोल किया जाता है। इनमें जो दुग्ध निर्माण होता है वो जैसे कई हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसके कारण ये कंट्रोल होता है। और दूध बनने के साथ जो दूध रिलीज होता है या वहाँ से दूध निष्कासित होता है या उसका निकास होता है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली द्वारा होता है, वहाँ से ये हार्मोन आता है और उस हार्मोन के कारण दूध का निष्कासन स्तन ग्रंथियों से हो जाता है और दूध है वो बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ते हैं अपन, मीबोमियन ग्लैंड। ये भी सीबेसिस ग्लैंड के रूपांतरण से बनी हुई है। और ये भी मुख्यतः एपोक्राइन प्रकार की होती है। ये हमारी जो पलकें होती हैं, आँख की जो पलकें हैं, उन पलकों के जो हमारे आँख के पलकें हैं उन पलकों के अंदर वाली सतह पर ये पाई जाती है और वहाँ से ये एक तेलीय पदार्थ का स्राव कर रही है। वो तेल क्या करता है? हमारे जो कॉर्निया होता है, आँख का ये जो वाइट उभरा हुआ पार्ट है, इस कॉर्निया के ऊपर वो तेलीय पदार्थ है वो फैल जाता है और कॉर्निया को चिकना बनाए रखता है और उसकी सुरक्षा है, उसको सूखने से बचाता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। ये इसका काम है मीबोमियन ग्रंथियों के स्राव से निकले हुए तेलीय पदार्थ का। ये जो मीबोमियन जो ग्लैंड होती है, इसका स्राव जो तेलीय पदार्थ है, वो हमारे जो आंसू आते हैं उस आंसुओं
कुछ जैसे हमारे आँख के कोने में अश्रुग्रंथि होती है, यहाँ पर हमारी अश्रुग्रंथि है, तो उस अश्रुग्रंथि के कारण अश्रुग्रंथियों में अश्रुओं का स्राव होता है, अश्रु या आंसू निकलते हैं, तो उन आंसुओं में उन आंसुओं से होता है कि आंसू अगर यहाँ से सीधे यहाँ से बने तो ये हमारे सीधे गाल पर टपक सकते हैं। तो ये तेल पदार्थ क्या करता है, तेल पदार्थ आंसुओं को पूरी आँख में फैला देता है, तो आँख में आंसुओं को फैलाने का काम भी ये मिबियन ग्रंथियाँ करती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ये इसमें लिखा गया, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जेस या जायस की ग्रंथियाँ। जेस या जायस की ग्रंथियाँ क्या होती है, सीबेसियस ग्लैंड के रूपांतरण, ये भी सीबेसियस ग्लैंड के रूपांतरण से बनी हुई होती है। ये जो हमारे आँख की जो पलके की जो रोम होते हैं जिनको अपन बेरोनिया बोलते हैं, उस बेरोनियों के जो पुटिकाएँ होती है, इस बेरोनियों की जो पुटिकाएँ, उन पुटिकाओं में ये पाई जाती है, और ये भी यहाँ से एक तेलीय पदार्थ चिकने पदार्थ का स्राव करती है जो हमारी इन बेरोनियों को चिकना बनाए रखता है, इससे ये इनको पोषण पदार्थ मिलता रहता है, ये चिकनी बनी रहती है और जिससे हमारी आँख की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट वो ग्रंथि पढ़ते हैं लास्ट, इसको अपन कहते हैं मूलाधार ग्रंथियाँ, इसको पेरिनियल ग्लैंड या सेंट ग्लैंड भी कहते हैं, गंध वाली ग्रंथियाँ या सेंट ग्लैंड भी कहती हैं, हालांकि हमारे मानव में नहीं होती है। ये भी एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है और ये भी सीबेसियस ग्लैंड के रूपांतरण से बनी हुई है, यानी तेलीय ग्रंथियों के रूपांतरण से बनी हुई है। ये मूलाधार भाग में स्थित होती है। अब ये जो मूलाधार भाग है, ये इसके अंदर हमारी ये जो तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है, ये इसके अंदर पाई जाती है। इसमें गंधयुक्त पदार्थ का स्राव हो रहा है, इस स्राव को हम कहते हैं गंधयुक्त पदार्थ है, इस कारण इसको हम कहेंगे सेंट ग्लैंड या गंध ग्रंथियाँ। ये मानव में एब्सेंट है, नहीं पाई जा रही है, जबकि अन्य जो शाकाहारी और मांसाहारी जीव है उनमें ये प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है, गंध ग्रंथियाँ, इससे ये गंध जैसे पदार्थ का स्राव करते हैं, जिससे ये अपने जो समूह के सदस्य हैं उस पर ये गंध लगातार लगाते रहते हैं, ताकि अपने साथी की या अपने समूह में जो साथी है उसकी पहचान ये आसानी से कर सकें। और कई जैसे जंगली जानवर, शेर या बाघ अपने क्षेत्र के निर्धारण करने में जगह जगह इस गंध ग्रंथियों से गंध को छोड़ते रहते हैं और अपने क्षेत्र का निर्धारण करते रहते हैं, जिससे कोई भी दूसरा जो जानवर है वो उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये हमारी आज के टॉपिक में हमारी प्रमुख तो ग्रंथियाँ थी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम त्वचा के रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, संवेदांग की चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी अपने इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके।